गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अमेजोन होम डेकोर आइटम्स फॉर दिवाली, और वो सारे के सारे अंडर 500 रुपीज होंगे। इनफैक्ट उनमें से तो एक सिर्फ 69 रुपीज का है। स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट आइटम जो सिर्फ 69 रुपीज का है। इट इज दिस ओम दिया। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप यहाँ पे टी लाइट जलाते हो एंड इसको किसी वॉल के अगेंस्ट रखते हो तो रात को ये बड़ी अच्छी ओम की शेडो अपने पीछे देता है। एंड आई फेल्ट दिस वाज सच अ क्यूट लिटिल थिंग, एंड इवन लाइक मंदिर में रखने के लिए पूजा के टाइम ये बड़ा अच्छा पीछे, लाइक गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति के पीछे रख दो तो कैंडल्स लाइक जो टी लाइट है उससे वो बड़ी अच्छी ओम की शेडो बना देगा पीछे, तो बहुत सुंदर लगेगा। एंड वैसे भी टू डेकोरेट योर होम आई थॉट दिस वाज लाइक 69 रुपीज में क्या मिलता है यार, एंड आई थिंक दिस इज प्रिटी डिसेंट। नेक्स्ट अप इज दिस अखंड दिया। ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, इट्स वेरी वेरी प्रिटी। एंड वैसे हमारे यहाँ मिट्टी का ही अखंड दिया होता है, तो उस लाइक आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस फॉर लाइक जो पूजा वाला अखंड दिया है, बट वैसे भी रंगोली के बीच में लगाने के लिए या किसी के टेबल के बीच में लगाने के लिए ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत प्रिटी है। एंड जब आता है तो फ्लैट होता है, तो उसकी जो पेटल्स हैं वो आपको मूव अराउंड करके अरेंज करने पड़ते हैं, वरना फिर ऑब्वियसली फ्लैट अजीब लगेगा। तो ये सिर्फ 219 का था, 219 रुपीज़ का था। ओरिजिनल प्राइस इसका 499 लिखा हुआ था, बट ये 219 का था, एंड आई डोंट थिंक ओरिजिनल प्राइस उन्होंने ठीक लिखा था, MRP बढ़ा के लिखा हो, क्योंकि हाँ 500 रुपये के वर्थ नहीं है, बट 220 रुपीज़ के आसपास के वर्थ डेफिनेटली है, क्योंकि नॉर्मल अखंडी है भी आपको 150 तक तो मिलते ही हैं, एंड एक थोड़ा ऐसे डिजाइनर टाइप वाला है, एंड लुक्स सो प्रिटी। नेक्स्ट अप इज दिस रंगोली सेट, ये 449 का था, इसका ओरिजिनल प्राइस लिखा हुआ है 999 विच इज ऑलमोस्ट 1000 रुपीज, एंड मिला ये मुझे 450 के अराउंड। आई डोंट थिंक ये 1000 के वर्थ इट है, 499 के है या नहीं। द थिंग इज इसकी ना जो रंगोली के ये जो दिए हैं ये बहुत सुंदर है, एंड घर पे लगाने में कहीं भी डेकोरेट करने में बड़े सुंदर लग रहे हैं, एंड आई थिंक किसी को गिफ्ट करने में भी ये पैक आप गिफ्ट करो तो बड़ा सुंदर गिफ्ट पैक है। द ओनली थिंग दैट आई फेल्ट अ लिटिल चीटेड इज कि ये उसके बीच का ना ऐसे ये बीच में रखने वाला था, एंड फोटो में इट लुक्ड अ लॉट बिगर देन इट डज लाइक इन रियल लाइफ, तो लाइक थोड़ी सी चीटिंग वाली फीलिंग आ गई मेरे पास, बट इट्स नॉट बैड, सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट सेंडिंग इट बैक, क्योंकि मुझे लग रहा है वर्थ लाइक इन दियो की वजह से डेफिनेटली वर्थ इट है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, एंड डाइनिंग टेबल पे बीच पे सजाने के लिए व्हेन यू आर हैविंग लाइक डिनर, दिवाली डिनर एंड ऑल, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अब आर दीज एलिफेंट्स, ये मुझे बहुत ही प्यारे लगे, दे हैव टी लाइट्स ऑन देयर बैक, एंड ये कहीं भी आप घर में डेकोरेट करोगे तो ये अच्छे लगेंगे ही, आप साइड बोर्ड्स में रख सकते हो, टेबल पे रख सकते हो, मंदिर में रख सकते हो, या किसी को गिफ्ट दे सकते हो। 99 के MRP था एंड 220 के पड़े, आई डोंट थिंक दे आर दैट बैड, एंड काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई बट मुझे मन में फीलिंग आती है कि मुझे 150 के, अगर मैं स्ट्रीट शॉपिंग कर रही होती तो मैं बार्गेन करके 150 के ले लेती इसको, तो दिस इज वन दैट आई एम अ लिटिल बिट आई एम लाइक आई डोंट नो, आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या ये 220 के वर्थ लग रहे हैं या नहीं, बिकॉज आई एम अ लिटिल कन्फ्यूज, अगर वर्थ इट नहीं है तो मैं आई सेंड देम बैक, अभी रिटर्न कर सकती हूँ मैं, बट आई डोंट नो, देयर ऑल्सो वेरी क्यूट एंड वेरी प्रिटी, एंड आई नो बच्चों को तो बहुत अच्छे लगने वाले हैं, लेकिन डू लव प्लेइंग विद देम, तो मोस्ट प्रॉब्ली टी लाइट की जगह ये खेल में यूज होने वाले हैं आफ्टर दिवाली तो 100%, सो मे बी दे माइट लाइक, क्योंकि बच्चों के भी खेलने के यूज आ सकते हैं बाद में, टी लाइट हटा दूंगी तो हो सकता है दे वर्थ द प्राइस, लाइक द डेफिनेटली क्यूट हा। नेक्स्ट वे मूविंग ऑन टू समथिंग जो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे बड़े सुंदर लगती है ये चीज़ें, दिस इज़ फॉर 399 और ये अनफॉर्चुनेटली करंटली अनअवेलेबल है, ये एक नहीं ये दो 399 के अवेलेबल है, दूसरा मुझे भी दिख नहीं रहा, मैंने रखा तो था अपने आसपास पता नहीं कहाँ चला गया। तो ऐसे दो मिलते हैं आपको पैर में 399 के, एंड आई थिंक दे डेफिनेटली वर्थ द मनी, लाइक 399 में दोनों मिल रहे हैं, सुंदर है। सो बेसिकली ये टी लाइट होल्डर्स हैं या कैंडल होल्डर्स हैं, आप छोटी कैंडल्स भी लगा सकते हो, एंड वंस यू पुट देम इन ये भी वो शैडो बॉक्स की तरह काम करेंगे, एंड आसपास बड़ी सुंदर सी शैडो क्रिएट करेंगे। सो दीज आर रियली रियली प्रिटी, एंड अगेन आप अपनी टेबल पर रख सकते हो, ये साइड बोर्ड्स पर रख सकते हो, यू कैन इवन कीप दिस इन द बैल्कनी, एंड लाइक बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा।
सो लाइक आई लाइक इट. सिमिलर टू दैट मैंने एक और शैडो बॉक्सेस मंगवाए थे जो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ. मैं आपको डब्बा दिखाना चाहती थी क्योंकि ऑल्दो वो ब्राउन जो नॉर्मल अमेजोन का डब्बा आता है उसमें आया था, बस उसके अंदर ये डब्बा था. तो आई फेल्ट कि इवन टू गिफ्ट समवन दिस लुक्स लाइक वेरी प्रेजेंटेबल एंड नाइस. कंपनी का नाम अर्बन बॉन्ड लिखा हुआ है. ये भी शैडो बॉक्सेस है दो जो अभी मैं अगेन खोल के दिखाती हूँ. दिस इज फॉर 379 द होल बॉक्स एंड ओरिजिनली प्राइस दैट 700. It also has like beauty of handmade lies in the imperfection. Anything perfect is machine made, which I agree because being from the fashion industry, मैंने देखा है कि like handmade चीज़ों में होती हैं गलतियाँ because human errors, right? And this is a made in India product, so obviously it like it just feels nicer if you give this to somebody. And I'll open it up और मैं आपको दिखाती हूँ. तो एक मैंने खोल दिया था बिकॉज मुझे आपको दिखाना था कि वो कैसा दिखता है, बट दूसरा मैंने पैक रहने दिया था बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू कि लाइक जब वो आता है तो पैकिंग में वो कैसा लगता है. लाइक ऐसे थे दोनों. इट वॉज नाइसली लाइक रैप्ड विद कार्डबोर्ड एंड रैप्ड विद प्लास्टिक एवरीथिंग. तो अगर आप किसी को गिफ्ट करने के लिए सोच रहे हो तो दिस इज लाइक पूरे लॉट में दिस इज द लाइक थिंग दैट आई एम लाइक हाँ ये मैं और मंगवा सकती हूँ टू गिफ्ट अदर पीपल. सो इट लुक्स लाइक दिस. It has like a thing to hang or like you can put this down and simply keep it somewhere as a lantern. इसमें tea light डालने की जगह है. दो tea light इसमें आती हैं डब्बे में. And I think this is so pretty. It's like वो जो bird nest वाला effect है वो create कर रहा है. That's very much in like decor fashion right now, interior fashion right now. And balconies में लटकाने के लिए या even अगर आपके घर में corners है जहाँ आप लटका सकते हो, I think this would look really really nice. और ऐसे दो हैं. So I'm going to open the second one up also. So this is how they are. दोनों का design different है तो like अगल बगल में भी लगे होंगे तो they look really pretty. मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो एक और प्रोडक्ट की बात करते हैं विच इज मेड इन इंडिया. दिस इज अट्रैक्टिव मल्टी कलर 3D रिफ्लेक्शन दिया. जैसे अभी आप फोटो में देख रहे हो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे. एंड दिस इज फॉर 299 दिस पैक. एंड इसमें 12 हैं जो दिए हैं. लेट मी जस्ट शो यू. सो दैट्स लाइक द दिया हाउ इट लुक्स लाइक. एंड मैं आपको ये जला के दिखाती हूँ कि अदरवाइज समझ में नहीं आएगा. इसके साथ बत्ती और इसकी स्प्रिंग आती है. इंस्ट्रक्शंस आते हैं ये कैसे जलाना है. तो ये आपकी नॉर्मल टी लाइट से भी जल सकता है बट बत्ती से भी जल सकता है क्योंकि बहुत लोगों को होता है ना कि दिवाली वाले दिन कहीं किसी किसी घरों में घी के ही जलते हैं, किसी घरों में सरसों के ही जलते हैं, तो उसके लिए बड़ा अच्छा है. नेक्स्ट यार दीज फ्लावर्स, ये आपने हमारे घर में मंदिर में लटके हुए देखे होंगे कम से कम 1000 बार. ये 289 रुपीज के 5 की लड़ी है एंड ये ऐसे दिखती है. एंड ये आप अपने घर में किसी भी कोने में लगा सकते हो एंड ये थ्रू आउट द ईयर अच्छी रहती है, खराब नहीं होती. यू जस्ट हैव टू डस्ट देम. ओनली वन एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव यू इज जब भी वो आप लो तो ये हमेशा ऐसे लाइक ऐसे आती है जैसे क्रश्ड हो. सो यू हैव टू काइंड ऑफ, मैं पूरे पे नहीं कर रही क्योंकि अभी मैं लटकाऊंगी नहीं. यू हैव टू काइंड ऑफ इनको फ्लफ अप करना होता है अपना हाथ एक दो बार ऊपर नीचे करके ना. लाइक ये देखो इन तीन फ्लावर्स में और इनमें डिफरेंस देखो. तो ऑलवेज रिमेम्बर जब भी ये वाले आप लड़ी लो तो उसको फ्लफ अप करो लगाने से पहले, वरना वो बिल्कुल ऐसे आपको भी नहीं मजा आएगा. सो फ्लफ देम अप विद योर हैंड ऑलवेज वेन एवर. लाइक जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा फ्लफी बनता है. एंड दिस लुक्स रियली रियली नाइस. तो ये जरूर ले लो यार. 289 की मिल रही है 5 लड़ियाँ. एंड लोकल मार्केट में भी यहाँ पे आई थिंक इसी के नाम की मिलती है. ऑल्दो आई थिंक बार्गेनिंग करके 250 तक भी मिल सकती है मुझे आराम से. बट देन ये मुझे घर बैठे बैठे मिल रही है, वहाँ के लिए मुझे पेट्रोल फूक के जाना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट और पड़ेगी. और अगर आपने मम्मी और मेरे शॉपिंग व्लॉग्स देखे हैं जैसे हम करवा चौथ की व्लॉग जब सामान लेने गए थे तो आपको ऑलरेडी पता है कि हम लेने थोड़ा सा जाते हैं, हम शॉपिंग कर बहुत ज़्यादा जाते हैं. तो इट इज़ बेटर लाइक मेरे लिए सस्ता पड़ता है अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लूँ. दिस इज अनदर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट. दीज आर देसी दिया की LED लाइट्स, वो जो राइस लाइट्स बोलते हैं इनको. दे रियली रियली प्रिटी एंड काफी लंबी है. आप अपनी बैल्कनी सजा सकते हो, घर के अंदर सजा सकते हो, बेडरूम्स पे लगा सकते हो. या लाइट्स तो चाहिए ही होती है दिवाली पे. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट टू यू व्हाई. ये 250 रुपीज की है एंड 999 की MRP थी. आई डोंट थिंक 999 लाइक असली होगा, वो लोग कुछ भी लिखते हैं. MRPs पे लिखी तो ये MRP 999 बट तो मार्केट में मैं जाती तो ये मुझे 999 की ही मिलती, बट क्योंकि ऑनलाइन सेल्स चलती हैं तो 250 रुपीज की मिल गई. लाइट्स की बात कर रहे हैं तो मैं फेरी लाइट्स की भी बात जरूर करना चाहूंगी. ये पुरानी है बट मुझे लग रहा है मैंने 150-200 के आसपास की ही ली थी. एंड फेरी लाइट्स तो बहुत सुंदर लगती है यार. शायद 150 के दो थे, आई डोंट नो. मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इफ आई फाइंड इट. एंड आई वुड हाईली रिकमेंड इस टाइप की लेके रख लो क्योंकि ना
फ्लावर्स के अराउंड, वासेस के अराउंड घुमा के लगाओ, मंदिर में आइडल्स के आसपास लगाओ, अपने रूम में लगाओ। ये वाली जो बिल्कुल पतली सी सेल से चलने वाली लाइटें होती है ना, लाइक ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। ये ऐसे वायर्स ही होती है तो ये किसी भी शेप में मोल्ड हो जाती है। एंड अभी मैंने एक वो किया था जब लाइव सेशन द स्पार्कलिंग बॉक्स का, अगर आपने वो नहीं चेकआउट किया तो चेकआउट करना, बहुत इंटरेस्टिंग दिवाली बॉक्स है। तो उसमें पीछे बैकग्राउंड में भी मैंने ये यूज़ की थी। तो दिस इज लाइक फेरी लाइट्स, हर यूट्यूबर के पास होती है, आई एम श्योर आपने देखी हुई होंगी। नेक्स्ट आर दीज लाइट्स, ये मुझे लेने का बहुत ज़्यादा मन था बहुत टाइम से। दीज आर स्टार लाइट्स और ये अगर आप अपनी बालकनियों में लगाओ तो बहुत सुंदर लगता है। इवन मंदिर में लगाने के लिए या घर में कहीं भी डेकोर करने के लिए ये बहुत सुंदर लाइट्स होती हैं। तो ये मैंने मंगवाई है फॉर 499। इसका MRP लिखा हुआ था 2500। आई डोंट थिंक, इसमें बॉक्स में नहीं लिखा हुआ है MRP, तो उन्होंने एम ही लिख दिया होगा। आई एम श्योर 2500 की कोई नहीं खरीदता होगा, बट 499 में आई थिंक इट्स अ गुड डील। सस्ती मिल सकती थी मे बी, आई डोंट नो, इसके बारे में उतना आइडिया नहीं है मुझे, बट आई थिंक दीज विल लुक रियली रियली नाइस। देन वी हैव दी 300 रुपीज़ के 100 प्योर काओ घी के दिया और बत्ती। दिया नहीं है वो, लाइक घी है और बत्ती है, जो हम सबको चाहिए होता है पूजा में, घर पे जब हम दिए जलाते हैं दिवाली वाले दिन उसके लिए। तो आई थिंक ये बड़ा सही बाय है, क्योंकि यार सबके पास टाइम नहीं होता ना, आप पहले 100 दिए घर के अराउंड लगाओ, फिर 100 दियों में तेल डालो, फिर उसमें बत्ती लगाओ, इससे अच्छा दिए रखो बत्ती रखो, विच इज़ सो मच मोर सिंपलर। इसलिए मुझे ये वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। लास्ट ईयर भी मैंने ये यूज़ की थी, लास्ट ईयर तो हमारे साथ गड़बड़ हो गई थी, छोटी दिवाली पर यूज़ की थी। दिवाली वाले दिन तो लास्ट ईयर मेरी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई थी, स्टिल ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस। तो एनीवेज ये काफ़ी सही है, 300 रुपये में मिल रहे हैं यार, आई थिंक 300 से कम में ही मिले थे क्योंकि कुछ डिस्काउंट भी मिला था उसके बाद। अनदर थिंग दैट आई रियली लाइक इज द टी लाइट कैंडल का बॉक्स, ये मैंने लिया है। देर आर अ लॉट मोर अवेलेबल एज वेल, बट मैंने सॉलिमो वाला इसलिए लिया था क्योंकि इसका बॉक्स अच्छा था। तो इसमें भी 100 हैं ये टी लाइट्स, एज यू सॉ बहुत सारे डेकोर में टी लाइट्स की जरूरत होती है। एंड इवन लाइक आप वैसे भी टी लाइट्स अगर आपको दिए नहीं खरीदने या किसी वजह से आप नहीं खरीद पाए तो, या बजट का इशू है, तो ये कितने की है, ये 100 है 279 रुपीज़ की। इसका MRP इज 500 और 279 की 100 मिली है। तो इवन बजट वाइज अगर आप देखो, आप किसी वजह से प्रॉपर दिए नहीं खरीद पा रहे हो, क्या लग गया मेरे हाथ में, तो अगर आप सिर्फ ये भी रख दो अपने बैल्कनीज में लगा के तो भी बहुत सुंदर लगता है, तो भी बहुत प्रिटी लगेगा। एंड द रीज़न आई बॉट इस स्पेसिफिक कंपनी के इस, क्योंकि इस बॉक्स में आती हैं, बाद में अगर लाइक ज़्यादा हो गई, यूज़ नहीं हुई सारी, तो बाद में स्टोर करना आसान हो जाता है। क्योंकि टी लाइट्स ऐसी एक चीज़ है जो मेरी बच जाती है हमेशा, हर दिवाली लाइक ऐसे मैं 100 का पैकेट मंगवाती हूँ, बच जाती हैं थ्रू आउट द ईयर, किसी ना किसी चीज़ में यूज़ होती रहती है, फिर नेक्स्ट दिवाली तक एक और पैकेट मंगवाने का लाइक नंबर आ जाता है। नाउ जो नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, दैट इज़ नॉट अंडर 500 रुपीज़, इनफैक्ट वो स्टार्ट होती है 699 से, बट आई रियली रियली वॉन्टेड टू शो यू गाइज दिस, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इसको लाइक आपको इसके बारे में पता हो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लाइक मैंने इसको प्री ऑर्डर किया था, अब तो वो अवेलेबल है, मैंने इसको प्री ऑर्डर किया था एंड आई रियली रियली लाइक इट। इट्स कॉल्ड द आइलैंड रंगोली। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो हो सकता है आप इसके एड्स देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, बट दिस इज रियली रियली कूल। तो ऐसी रंगोली बनी हुई आती है, व्हाट यू कैन यू हैव टू डू इज, इसमें बीच में गड्ढा है तो आपको बस कलर भरने हैं, मतलब हर चीज़ में से कलर भरने हैं, कलर कॉम्बिनेशन आपके चॉइस का, एंड रंगोली खिल के आएगी। आई शो यू पिक्चर्स ऑफ हाउ इट कैन लुक। सो दिस इज हाउ इट कैन लुक। दे आल्सो सेंड यू लाइक अ कलर गाइड अगर आपको लाइक बिल्कुल आपको नहीं समझ में आ रहा कलर्स कैसे यूज करने हैं, पर रंगोली तो जितनी कलरफुल हो उतना अच्छा है। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर योर किड्स फॉर देयर हैंड आई कोऑर्डिनेशन। तो मैंने बच्चों के सेंस में भी ये मंगवाई है कि दाले लगा के ना अलग अलग सेक्शंस में दाले लगाना, ऑल दो उसके लिए मुझे लग रहा है परेशानी, बिकॉज मैं उसको बड़ी दाले ही दे पाऊंगी लाइक राजमा और समथिंग एल्स, दिस माइट बी अ लिटिल टू घिचपिट, बट फॉर अ चाइल्ड हु इज लाइक 5+, दिस इज डेफिनेटली समथिंग
वर्थ द मनी, क्योंकि एक प्ले बन जाएगा. दिस इज नॉट जस्ट रंगोली, इट इज ऑल्सो प्ले. कुछ लोगों के घर में रंगोली रोज रोज अलग बनती है, और अगर आपको उस टाइप का शौक है तो इसमें करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा. दे हैव अ लॉट ऑफ वैरायटीज ऑफ लाइक डिजाइन विच यू कैन चेक इट आउट ऑन एमेजॉन. लिंक अगेन इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, विच इज डेफिनेटली बिलो 500 रुपीज एंड इज गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर योर फैमिली. जस्ट वेट, इट्स द मिस्ट्री ऑफ दिवाली का द्वारपाल. दिस इज फॉर 275 रुपीज. MRP इसकी 370 है, एंड ऑनेस्टली मैं अपने प्रॉफिट में एक बहुत मेजर कट ले रही हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि इसका प्राइस मिनिमम से मिनिमम रहे. मैक्सिमम आप लोगों को जितना डिस्काउंट मैं दे सकती हूँ मैं दे पाऊँ. सो दिस बुक, इफ यू डोंट नो ऑलरेडी, देन दिस इज अ बुक दैट आई रोट, एंड ये बुक स्पेसिफिकली बच्चों को दिवाली के लिए एक्साइट करने के लिए है. दिवाली में क्लीननेस की इंपॉर्टेंस बताने के लिए है, बच्चों को एक फन एंड लविंग कैरेक्टर के बारे में बताने के लिए है जिससे वो दिवाली को इंजॉय और भी ज्यादा कर पाए. एक किड सेंट्रिक छोटा सा ट्रेडिशन, बहुत आसान ट्रेडिशन जो आप घर में अपना स्टार्ट कर सको, और दिवाली बच्चों के लिए और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाए उसके बारे में है. अगर आपने अभी भी नहीं खरीदी तो प्लीज प्लीज प्लीज, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. इफ यू हैव अ चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 2 to 6 years old, अगर 2 से 6 साल के बीच का बच्चा है आपके घर में, तो प्लीज गो अहेड एंड मेक दिस परचेज. आई प्रॉमिस यू यू गोइंग टू लव इट. आई प्रॉमिस योर चाइल्ड इज गोइंग टू लव इट. मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, इतने बच्चों की फोटोज आती हैं ऑफ देम लविंग दिस बुक. इट जस्ट वॉर्म्स माई हार्ट, एंड आई वॉन्ट कि बाकी लाइक आई डोंट वॉन्ट कि कोई भी बच्चा लेफ्ट आउट हो, स्पेशली हमारे परिवार से नहीं यार, ये हमारा परिवार, आज वी लव परिवार जो है हमारा. एटलीस्ट इनके बच्चों को तो सबके पास ये बुक होनी चाहिए. सो इफ यू हैवंट बॉट इट येट, प्लीज गो हैड एंड बाय इट. कल अर्बन कंपनी वाले आने वाले हैं हमारे घर को फुल हाउस क्लीनिंग करने के लिए. अगर आपने हमारा अर्बन कंपनी का बाथरूम डीप क्लीनिंग वाला वीडियो नहीं देखा तो ये वाला जरूर जाके देखना. एंड आई सी यू गाइस टुमारो एट 4. बाय.